बोले तो बाबा की चौकी। ए नीचे उतर। अरे मैं जानता हूँ यार, तुम लोग सब नवाज भाई के और अमृता के फैन हो, आई नो यार। पाइप पे से नीचे उतर। हेलो, ये क्या ड्रामा कर रहे थे? अरे आपके फैन लोग है भाई। और वो एक्चुअली पानी का पाइप है भी। इनको सिर्फ एक ही पाइप आता है। कौन सा? नहीं नहीं, अरे क्यों सबके सामने रात को खोले में देख, समझा लो इनको। कैसा 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 स्टार्ट बराबर है, थोड़ा स्टाइल अलग होगा। ये देखो कैसा लगा मेरा गेटअप? गेटअप बहुत अच्छा है। हाउ इज द कलर? चमक है क्या? नहीं नवाज भाई तो बहुत बार आए हैं। मेरा डेब्यू हो रहा है बाबा के साथ। हमारा शो बहुत कैजुअल है और इसमें कैसा रहता है कि हम लोग किसी को कॉफी भी नहीं पिलाते। हाँ? ना हम लोग कुछ ऐसा ऐसा बात करते जो बच्चे लोग नहीं सुन सकते। When you come, मैं कभी आज तक ये नहीं बोला कि आपका हार्दिक स्वागत हो। नो, अच्छा, हार्दिक नहीं, खाली स्वागत हो। Are you trying to get my point? So here we go. Camera lights action. Welcome to our show, जिसका नाम है बाबा की चौकी, only on MTV Beats. तुला माहिती नहीं है? हाँ, तो आज हमारे शो पे आए हैं कुछ खास मेहमान। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड मिस अमृता, द ब्यूटीफुल अमृता। हेलो, हाय, दिस इज अ फॉर्मल। अच्छा, एज अ नाइस रिंग बाय द वे। हाँ, सेल पे था। वेरी नाइस, सेल पे चलता बैटरी। नहीं, बैटरी तो मैं हूँ। लॉट ऑफ, अभी सीरियस हो जाते हैं। तो बताइए, आपका जो ये आने वाली आपकी फिल्म है नवाज भाई अमृता, आप ये बताइए कि आपको इस फिल्म के लिए कैसे अप्रोच किया गया? स्टार्ट। मेरे साथ ना बहुत फनी किस्सा हुआ एक्चुअली। मेरे निर्देशक जी और अभिजीत पांडे सर और जो रोहन मापुस्कर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, मुझे याद है मैं बैठी थी टेबल पे पूरा तेल लगा के एकदम, मेरा कुछ ऑफिस का काम चल रहा था, कुछ स्टाफ में हम लोग सब बैठे थे, अचानक घंटी बजती है, कुछ गेस्ट आए हैं मिलने। आई सेड गेस्ट आए हैं कौन? जो हाई स्पीड में मैं भागी हूँ और मॉम सोई थी रूम में, मम्मी ने हैंडल किया और फिर यू नो ये लोग ऊपर आए और जो हाई स्पीड में उस दिन मैं तैयार हुई हूँ, ओ माई गॉड। फिर जेन्यूनली उन्होंने बोला कि हमारी गलती है, हमें कल 4 बजे आना था, हम आज 4 बजे आ गए। सो आई थिंक ऐसा पहली बार, इतने सालों में पहली बार मेरे साथ हुआ है कि, बट उस बार उनकी गलती थी मेरी। One day before approach. नवाज भाई आपको कैसे अप्रोच किया? 2 मिनट में। जैसे 2 मिनट में डिसाइड कर लिया था हम राव साहब ने कि ये यही बाड़ा साहब ठाक रहे हैं मेरे। Shut up, quick answer. इस फिल्म का हमको पूरा क्रक्स जानने का है। मैं अभी नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, it's your choice. जावेद साहब फोन करने वाले। अच्छा? ओह, अच्छा। अरे आ गया फोन। वाइब्रेट। हेलो। हाँ जावेद साहब। जी 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 जी। यस यस फॉर द फिल्म। या अब भी दे रहा हूँ। He wants to talk. हेलो, कैसे हो नवाज बेटे, कैसे हो? देखे साहब आप इतनी, देखे जावेद साहब आप इतनी जोर से बोल रहे हो, ये तो लाजमी है, बट जरा फोन रखे क्योंकि दूसरे फोन पे आजमी है। मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात, एक बहुत ही उम्दा सवाल पूछना था आपसे। जी पूछिए, फरमाइए। ये जो फिल्म आप जो कर रहे हैं, ठाकरे जो फिल्म आपने की है, इसके अंदर जो कुर्ते थे वो कहाँ से दिलवाए आपने? बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ अ कुर्ता। कुर्ते तो आपके भी हैं, मतलब कलर दूसरा है उनका, वो सेम कुर्ते ही है, वो कलर चेंज। फिटिंग जो आपको आई है माशाल्लाह का लग रहा है। तो थोड़ा रनिंग मरिंग किया करो आप भी, हम तो फिटिंग। दूसरी बात तो ये है कि लोग मुझे आजकल बायोपिक्स के लिए बड़ी अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग मेरे पास आए थे कि भाग मिल्खा भाग आप लिखिए। मैंने कहा भैया ये बायोपिक है तो जो हुआ है वो लिखिए, मुझसे क्या लिखा रहे, वही कराइए।
ठाकरे इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमको। पर्सनली जब मिलेंगे तब बताऊंगा जावेद साहब, अभी तो थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है फिर, एक मिनट फरहान से बात कीजिए। फरहान भाई। हेलो नवाज भाई, हाउ आर यू? बस फरहान भाई बढ़िया, आप कैसे हैं? फैंटास्टिक, एज कूल एज ऑलवेज। I've been watching your performances and super mind-blowing and fantastic actor you are. And I've been waiting for you at the Oscars. Huh? Oscars ke liye wait kar raha hu aapke. See you at the top. Acha, meri film ke liye aap wait kar rahe hain? Yeah. Amrita bhi hai wahan pe. Ji, baat kar rahe hain? Can I have a word? Yeah. Hi, Farhan. Hello, beautiful. How are you doing? Oh, very good. How are you doing? I'm doing fantastic as always. Hot, handsome and happening Farhan ke saath. I agree. आप कैसे फील कर रही हैं? मैं कैसे फील कर रही हूँ? या मराठी में बताइए। मी बरिया है, मी खूब छान है। ओह। हो। इसका मतलब? मी खूब छान है म्हणजे मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। कितनी अच्छी लड़की हूँ मैं, आपको अभी तक पता नहीं चला। बहुत अच्छी हैं, आपको आपकी नई फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर ब्यूटी एंड ड्यूटी। थैंक यू सो मच। ब्यूटी एंड ड्यूटी। पीस आउट। पीस आउट। ऐसे रखते वक्त बोलता हूँ। अच्छा, पीस आउट। ओके, पीस आउट, पीस आउट। मैं चाहता हूँ कि ये जो डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ये मराठी में हो जाए तो थोड़ा नवाज भाई स्टार्ट, थोड़ा फन आना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा है। या मैं आपकी आवाज में बोलूं? बोलो। स्टार्ट। मोटा मोटा शहरा मध्ये छोटे छोटे गोष्टी होत राहतात, तुला नाही करणार सनोरिटा। क्या दिक्कत आई अब? ये राइटर जब फिल्म करते टाइम खाली दिक्कत ही आते। कितना मजा आया आपको? स्टार्ट। इनको क्या, मुझे? दोनों को। दोनों को बहुत मजा आया हमें फिल्म करते करते। बहुत ऐसा ये वन लाइन आंसर देगो तो कैसा है ये शो बनेगा? बहुत पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ, कभी भी किधर अभी ऐसा जिधर भी अपन बैठते हैं तो भाई जरा सा ओपन अप होके बैठो ऐसे। हाँ, थोड़ा फैल के बैठे तो आंसर देने को भी मजा है। देख, पूरा फैल के नहीं बैठ सकते ना, बराबर में। हाँ, ऐसा लेडीज बैठी, कंप्रेस मत हो जाओ, रेस्पेक्ट, पूरा खुल के। ये नेशनल चैनल है तो थोड़ा तमीज से बैठना पड़ता है। नहीं नहीं, चलते अब वापस आ जाओ। तो कैसे बैठ जाऊं? हां, ये यस, दिस इज आवर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यस, अभी कहता ओह माय गॉड, ये ओह माय गॉड, अभी आई एम अ डायरेक्टर। यस, इसको मैंने एक्टर को खोला थी। आई ओपनड किया मुझे। हां, आई ओपनड अप। बस इन्हीं तक सीमित रहना। नहीं तो कंफर्टेबल। हम लोग जब भी इधर आते हैं तो वी गिव आउट सम रिलैक्सेशन साउंड टू द यूनिवर्स, से बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन अच्छा होता है। अच्छा, तुरंत सबका इंटरेस्ट। बहुत अच्छा अच्छा। हां, पिछली बार मैं आया था मंटू लेके तो उसका तो कुछ नहीं। पता नहीं ये वाला काट दो डाल। ऐसा कैसा वाइब्रेशन दे दिया आपने? मैंने दे दिया था। अच्छा, उन तक पहुंचा नहीं रहेगा। अच्छा, चलो इस बार थोड़ी और, इस बार थोड़े अंदर से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। बॉटम? सच सच बोलना है तो छेद हो जाएंगे उसके। नहीं नहीं, अभी अपन, इट इज अ रिलैक्सेशन साउंड अपन जैसे बैठने के बाद करते ना कि हां, इट इज नॉट, हां इट इज, हां हां को दबा दो। हां, आर वी रेडी? या, वी आर रेडी। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अभी तो आया ही हूं, अभी इतनी जल्दी बाहर भी आ जाऊं? मतलब कंफर्टेबल ही करो, ये थोड़ा सेमी सिटिंग पोजीशन में। नवाज भाई, 1 2 3।